If you like my channel, please click the subscribe button. Press the bell icon for no. Definitely, why not? I'm now going to request the last question, please.
हाय मैथिली, लेकिन जताओ जरूर, क्योंकि ये देश हमारा ही है। उस पर प्यार जताने में कोई भी कोताही, कोई भी बिल्कुल भी रिस्ट्रेंट नहीं चाहिए, प्यार तो जताना चाहिए। तो इसलिए देश प्रेम जताओ, ये इस फिल्म का मैसेज। श्रद्धा सुमन है, दिस इज अ ट्रिब्यूट फिल्म टू रानी लक्ष्मीबाई, और ये उन लोगों की ने बनाई है सबने मिलकर जिनको रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर यकीन है, जिनको रानी लक्ष्मीबाई ने जो की महानता पर जो निछावर है, उन लोगों की बनाई हुई ये फिल्म है। क्योंकि ये एक कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये फिल्म का स्टैंड क्या है, इस फिल्म का स्टैंड रानी लक्ष्मीबाई के सामने झुकना है, उनको प्रणाम करना है। वी सिंसियरली आर, हमारा ये एंडेवर है कि किस तरह से वी कैन हैव अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ यू नो लाइफ टुगेदर। ये ऐड करूंगा कि देखिए उपलक्ष्य होता है इसको कि इसी दिन क्यों रिलीज हुई है। देखिए उस दिन भावना होती है, उस वक्त मन करता है, तो उपलक्ष्य ढूंढ करके तो लॉन्च आप करते हैं, जरूर करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि दिवाली में आप दीप जलाते हैं तो दीपक की आपको लगेगा कि वही आपके बगल वाली दुकान में दीपक भी रखे हैं। तो ऐसा नहीं, उस भावना को उस वक्त बलवती होती है, उस वक्त वो मुखरित होती है, तो उस वक्त करना उसका अलग नहीं। पर मुझे ये लगता है कि हम ये जो हमारे देश के वीर लोग हैं, खासकर जिन्होंने हमारे देश के आज तक इतिहास में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस देश के लिए, मुझे लगता है हम बहुत कम फिल्में बनाते। आप सोचिए रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर इतने वर्षों बाद एक फिल्म बन गई, ये सोचने वाली बात है कि इतने वर्ष क्यों लगे, इतनी ऐसी वीरांगना। और आप फिल्म देखेंगे, फिल्म क्या देखेंगे, हम सभी इस कमरे में जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई क्या थी इस देश के लिए, पर उनके ऊपर एक फिल्म बनाने का ये थॉट इतने लेट आना, मुझे लगता है कि और ऐसे बहुत से चरित्र हैं जिन पर हमारे देश में फिल्में बननी चाहिए, और वक्त है कि हम ढूंढ ढूंढ कर उनको निकालें, क्योंकि शायद वी ओ समथिंग टू देम। आई थिंक वी ओ अ लॉट टू दीस पीपल, एंड फिल्म इज सच अ पावरफुल मीडियम, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन, आने वाले पीढ़ी को। हम आज कितनी चीज़ें हैं जो बच्चे सिर्फ फिल्मों से सीख रहे हैं आज, तो शायद अगर फिल्में अपना वो दायित्व समझे कि ये चरित्र जो हैं, जो कई लोगों के इस कमरे में जो कहेंगे कि हमने अमर चित्र कथा की वजह से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपने देश के बारे में सीखा है, शायद वो रोल अब फिल्मों को निभाना चाहिए जो अमर चित्र कथा है, जिसको मैं समझता हूँ मेरे साथ मेरी धमनियों में दौड़ता है देश प्रेम, और मुझे उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश रहती है कि जो एक ये भी प्रयास था, इनफैक्ट ये मैं इसका श्रेय करुणा जी को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये मुझसे आग्रह किया था कि ये गाना एक सिंपल गाना रहना चाहिए, बहुत बच्चा बच्चा इसको गुनगुना सके। तो मैं यही सोच रहा था कि एक सिंपल सी चीज़ जो बिल्कुल जनसाधारण में कोई भी व्यक्ति इससे रेजोनेट कर सके, वो क्या है कि देश से है प्यार को हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूँ या ना रहूँ भारतीय रहना चाहिए। बहुत शानदार जी, तो इसलिए मुझे लगता है उसके लिए इतना प्रयास नहीं करना पड़ा, वो एक स्वतः स्फूर्त से कहते हैं खुद ही एक बहने लगा, इट्स इट लाइक इट फ्लू लाइक इट वाज देयर समवेयर, एंड मणिकर्णिका ने एक उसको एक छेड़ दिया उस सुर को, इसलिए मैंने कहा कि मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार, ये तो ये एक भावना इसमें है।
तो मुझे लगता है उसके लिए मुझे ज्यादा कम प्रयास करना पड़ा, लेकिन उन तारों को छेड़ने का काम जो है कंगना जी ने किया। कंगना मैम, मेरा सवाल आपसे है कि अभी से उन्होंने रानी के बारे में लिखा था और जो भी लिखा हुआ था एब्सोल्युटली मैनिपुलेटिंग, मलाइनिंग हर हस्बैंड किंग गंगाधर राव के बारे में, कि उसको मारते थे, पीटते थे, उसको कमरे में बंद करते थे। मगर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला एक हस्बैंड है जिसके पास में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, आर्टिस्ट है, उसको उसकी टेंडेंसीज बहुत आर्टिस्टिक है और वो अपने आप खुद अपनी वाइफ के नाम सब कुछ करके जाता है, लेकिन उसके एक्शंस तो कुछ और बता रहे हैं। अगर आप उस पर रिसर्च करते तो कुछ और पता चल रहा है, लेकिन उसके एक्शन, उसके कजिन्स थे और भी कई लोग थे जिनके नाम पे वो अपनी ज्यादा, उसने उस टाइम पे जब औरतें पर्दे में रहती थी तो उसने कहा कि मेरी जो एयर है, मेरे आगे जो इनहेरिट करेगी वो रानी लक्ष्मीबाई रानी बनेगी। तो ऑब्वियसली उसके एक्शन तो कुछ तो हम लोगों को अपनी खुद की डिपिक्शन करनी पड़ी। रानी को के चरित्र पे दाग डाले गए जो कि अंग्रेजों ने उनके लिए लिखवाया, लेकिन अब पता चल रहा है कि आज तक हम उनके गुणगान गा रहे हैं, जबकि इंडियंस बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि किसके चित्र पे दागे तो हमारे जो भावनाएं हैं वो इतनी ज्यादा वो होती है कि हम कभी किसी, देखिए आप किसी के शब्द खरीद सकते हैं, किसी के प्रेस खरीद सकते हैं, लेकिन आप किसी की भावनाओं को नहीं खरीद सकते। उनके जो फोकलोर है झांसी से चले आ रहे हैं, पूरे देश में है, तो वो क्यों है अगर उनका वो ये, तो कहने का मतलब ये है कि प्रेस ने पूरे मैनिपुलेट किया था। तो उस चीज को वी हैव, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव सीन द इंसिडेंसेस जो कि डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंसेस है, जैसे कि राजा ने उनको ये किया, उनके बाद में रानी ने क्या किया, जो औरत खड़े खड़े सेल्फ एम्बुलेट हो गई अपने देश के लिए, उसके चरित्र पे कैसे कोई दाग हो सकता है, जबकि उसको ऑप्शन है कि आप पेंशन लेके अपने जिंदगी अच्छे से जिए। वो कहती है नहीं, मैं अपने देश के लिए अपनी छोटी सी जिंदगी इस तरह से नहीं जी सकती। सो इस तरह से हम लोगों ने, विजेंद्र सर ने, प्रसून सर ने, हम लोगों ने खुद, हमारा भी तो दिमाग है जो हमको फीड कराया जा रहा है, जैसे आजकल मीडिया में जो बच्चों को जो फीड कराया जा रहा है, मैं यही कहूंगी कि आप अपना दिमाग चलाइए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों पे भी प्राइस टैग है, उनके ओपिनियन पे भी प्राइस टैग है, उनके चैनल्स पे, उनके पेपर्स पे भी प्राइस टैग है। उसे ये इंग्लिश लोगों का किया कराया है और उनकी औलादें आज भी यहीं पे ही हैं। सो मेरी रिसर्च का यही था फायदा कि मैंने खुद अपना दिमाग ज्यादा लगाया एंड वी हैव नॉट ड्रिफ्टेड फ्रॉम एनी हिस्टोरिकल फैक्ट्स, बट एट द सेम टाइम वी हैव नॉट sort of, you know, bought anything which is so obviously untrue. And this film is... भी बहुत काम करते हैं, वो तनुवर्ट्स मनो रिटर्न्स हो, उसमें हरियाणवी रेटिंग के तार हो, तो एक मेंटली कनेक्ट करने के लिए रानी झा मतलब लक्ष्मीबाई के साथ आपको क्या क्या रिसर्च करना पड़ा और कितना दिन टाइम लगा आपको रिसर्च करने के लिए? देखिए शुरू में तो मैंने जो भी रिसर्च किया वो हम आजकल की जनरेशन जैसे ना गूगल पे अटैक करते हैं सीधा मैंने जो भी गूगल पे देखा और जो भी मैंने उसके जरिए रिसर्च पाई, सो बाद में मुझे उसको पूरा अंडू करने में काफ़ी टाइम लगा एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे बड़ा सत्य ये है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो बहुत दुखद उनका निधन जब हुआ था, मृत्यु जब हुई थी, उसके बाद में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है उसको दबा दिया गया था काफ़ी सालों तक, उसके तकरीबन 100 से ज़्यादा सालों बाद हमें आज़ादी फिर बाद में मिली है। तो उसको दबाने के बाद अंग्रेजी जो है कंपनी रूल बंद होने के बाद में ब्रिटिश जो रूल है यहाँ पे आ गया था, तो उस वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल पब्लिक रिलेशन को लेके, पीएम, क्योंकि प्रेस वाज रूल्ड बाय इंग्लिश, उसको लेके उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल डाल दिए थे। तो ये जितने भी उस वक्त के मार्टर्स थे इनका पूरा नामो निशान खत्म करने की उन्होंने कोशिश की, उसके करके उन्होंने इसको इलीगल बना दिया। आप रानी ऑफ झांसी के बारे में कुछ लिख नहीं सकते, उनकी आत्मकथा, उनके मेमोज, उनकी स्पीचेस, आप जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ लोग बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं इस तरह से आप पब्लिकली उनके बारे में बात नहीं कर सकते थे, ये सब बैन कर दिया गया था। और उसके ऊपर से फिर भी उनकी जो मृत्यु थी और जिस तरह से उनको मारा गया था उसके करके लोग काफी क्रोधित थे, उस क्रोध को दबाने के लिए कुछ लोगों को, कुछ इंग्लिश राइटर्स को सिस्टमैटिकली पैसे दिए गए थे, और जैसे कि अभी भी किया जाता है प्रेस को खरीदा जाता है। मतलब उस जमाने में कहाँ रहते हैं जहाँ पे हम लोग बचपन से आर्मी ट्रेनिंग करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई वाज अ जनरल, वो लाइक आज आर्मी डे है
ये एक हमारे लिए सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स जो उनके उनके जो एनिमी है उन्होंने उसके बारे में ये लिखा अपनी आत्मकथा में कि उससे ज़्यादा अच्छा वॉरियर जो है इतिहास में शायद ही होगा. तो जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी उनका जो बचपन था वो आर्मी ट्रेनिंग में ही पूरा बीता हुआ था. जो राजकुमार उस वक्त के होते थे एक्चुअली बॉलीवुड की जो इंटरप्रिटेशन है राजा और राजकुमारों की वो बहुत ही ज़्यादा डिमोस्ट भी होते थे लेकिन ऐसा ही नहीं था. देवर द रूलर्स आई मीन जो जनरल्स अपनी आर्मीज के ज़्यादा करके किंग और प्रिंस यही काम करते थे. तो उनका बचपन राजकुमारों के साथ में बीता था. तो जो एक राजकुमार की ट्रेनिंग होती थी चाहे वो राजनीति में हो या रणनीति में हो तो वो रानी लक्ष्मीबाई की ट्रेनिंग बचपन से रही थी और मुझे वो सब 2 महीने में करना था. तो चाहे आप फिल्मों में चाहे एक्टिंग ही करते हैं लेकिन जो जिस तरह का मुझे अपनी फिजिक पे काम करना पड़ा या घुड़सवारी और एक्शन जितना 90% एक्शन मैंने अपना खुद किया है. दो दो तलवारों से दो तलवारबाजी वो भी दो दो की सीखनी पड़ी. सो इस तरह की चीज़ों में मुझे देखिए बहुत परेशानी तो आई लेकिन फिर भी ये दिस इज़ द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर अस एज पीपल एज नेशन. तो आई थिंक इट डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट. किससे सीखा आपने? निक पावल जो हमारे फिल्म के एक्शन डायरेक्टर हैं सारा एक्शन उन्होंने किया है और डिज़ाइन भी उन्होंने किया है और उन्हीं की टीम ने हमें ट्रेनिंग भी दी. तो उनकी स्पेशल उनकी टीम यहाँ पे आई थी जिन्होंने 2-3 महीना हमें मुझे अंकिता को बाकी जितने भी हमारे किरदार हैं जैसा मैंने कहा तात्या राव साहब और काशी भाई जो सब किरदार प्ले कर रहे हैं उनको सिखाने के लिए स्पेशल टीम आई थी. अंकिता इफ यू कैन शेयर अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज इस फिल्म का हिस्सा हूँ. प्रसून जोशी सर कंगना मैम आई थिंक इन लोगों के साथ काम करना इट्स लाइक अ ड्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड कमल सर आज यहाँ नहीं है आई एम डेफिनेटली मिसिंग हिम बट आई थिंक ही इज़ द वन जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. और झलकरी बाई एक ऐसी किरदार है जिनको किसी ज़्यादा किसी को पता नहीं था कि वो कौन है लेकिन आई थिंक इस फिल्म में इतना अच्छे से उन्हें दर्शाया गया है तो आई थिंक जो झलकरी बाई थी उनके बारे में अब लोगों को पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी इस कंट्री को फ्रीडम के फ्रीडम दिलाने में उनका कितना बड़ा हाथ था. सो आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो शायद मेरी मैं जो प्रेजेंट करूँगी झलकरी बाई को वो दिखाया जाएगा. सो आई एम से शुरू हुआ या एनीथिंग आई पर्सनली आई Just Victor Hugo's quote that there is nothing more powerful than an idea whose time has come. You know, so मैंने हमेशा feel किया है कि एक idea आपको grab कर लेता है and you just become a catalyst in that idea's hand. So woman empowerment तो थी ही थी तभी तो मेरे को घर से निकाल दिया था तो उस time तो मेरे को किसने value नहीं किया. You understand? For 10 years when I was struggling in the industry, I was struggling because I was not succumbing to the industry's way. But that time to nobody valued me. That time the ones who were reigning and surviving, striving and thriving were the item numbers and the absolutely opposite of what we are appreciating today. You know, women were just reduced to mere names and 5 minutes roll in and out and like that. But I was still doing the same thing and nobody appreciated it. And suddenly the time changed. And not just me, everywhere people started to seek some sort of dignity for women, seek equality. And I think and Nirbhaya case was a very big catalyst where I think the crude and the regressive and the most horrific, horrible face of humanity just exposed itself and people were like, this cannot continue. So I think 2014 and post that, a certain sort of transformation which is still going on. Industry mein abhi bhi, people are enraged but something has triggered it. ये कई सदियों की चीज थी जो अभी कहीं ट्रिगर हुई है. अब लोग हैव बिकम हाइपर सेंसिटिव कि इतना भी नहीं बोलना है. यू नो व्हाटएवर इन द वेक ऑफ थिंग्स मी एंड सर वर डिस्कसिंग टुडे के यू नो लाइक पीपल आर लूजिंग देयर करियर्स एंड थिंग्स लाइक दैट यू नो बट दे बिकम हाइपर सेंसिटिव बिकॉज अभी नथिंग विल बी टॉलरेटेड एज सिंपल एज दैट. सो लाइक आई सेड द आइडिया हैज कम एंड इट्स टाइम इज देयर एंड नाउ व्हाट यू सॉ टॉकिंग अबाउट पेट्रियटिज्म I think you're also one very bright young mind. You can also perceive another idea coming long due and it's not gotten its due at all. And
and it will take its due, whether through me or through you or through who, we don't know. But it's the larger picture which is at play, and we are mere mediums in its hands. So if that happens, along with woman empowerment, human equality, human rights, gender equality, patriotism, nationalism, nationhood, brotherhood, you know, like, why don't we ask ourselves when political parties are asking us to attack each other, whether through reservation or whether through, you know, whatever, inequality, why don't we ask ourselves, you know, that do I not like my neighbor just because they are another religion, or just because, you know, that person got, do I not like my friend just because, you know, so why don't we use our own mind? People are trying to make me paranoid, oh, this has happened, that has happened, so what do I see around myself? What kind of changes I'm seeing, or what is happening? When will I ask myself questions? So if this sort of responsibility is going to come, and this kind of responsibility and nationalism and brotherhood and patriotism is going to be instilled in people, then these people will not have control over us. These people... And this